गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है, वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं IAS इंस्टीट्यूट एंड आई एम विनायक अय्यर। एंड आज का है जो हमारा सेकंड लेक्चर है, दैट इज डेमो लेक्चर फॉर बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो दिस लेक्चर इज कम्प्लीटली लिंक्ड विद द प्रीवियस लेक्चर। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई कार्ड को दबाइए एंड गो एंड वॉच दैट वीडियो, ओके। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक टुडे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि मिस्टर बाबूराव जो है प्लाईवुड सेलर है। सो उस टाइम पे मैंने बताया था कि बाबूराव अच्छे से बिजनेस करते, बट इनिशियली जब उन्होंने जब स्टार्ट किया था तब उनका क्या सिचुएशन था वो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और बुक कीपिंग क्या होता है, ओके। आज के सेशन में ये समझे कि बुक कीपिंग क्या होता है, क्यों होता है, बुक कीपिंग करने के क्या फायदे है, ओके। ऑल दैट विल बी डिस्कस्ड हियर, ओके। सो पहले हम जानेंगे फर्स्ट उसी एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में जाके समझेंगे। नाउ सी, मिस्टर बाबूराव जो है क्या कर रहे थे, यहां से वो परचेज करते थे, ओके। सो इसको बड़ा सा पी लिख रहा हूं मैं, एंड इट्स अ बॉक्स। अब परचेज करते प्लाईवुड तीन चार जन के पास से, यहां पे मैं बोलू वो परचेज कर रहे एक बंदे के पास जिसका नाम है मिस्टर ए। दूसरा वो परचेज करते से मिस्टर बी। तीसरा वो परचेस करते हैं मिस्टर सी से, ओके, नॉट ए बी एंड सी। नाउ मिस्टर ए बी सी से परचेस करते हैं, ये जो परचेस करते हैं, जो मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं वो डैश, ठीक है, ताकि आपको इजी समझे, बहुत छोटे छोटे दिख रहे, सॉरी। सो बी इज फॉर कैश, आई होप अब आपको विजिबल होगा। नाउ ये कैश में सेल्स कर रहे, परचेस कर रहे, इसलिए यहां पे पी लिखा है। वैसे ही वो कैश में सेल्स भी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैश में सेल्स भी कर रहे हैं। ही इज सेलिंग द प्रोडक्ट, ओके। नाउ व्हेन ही इज सेलिंग, उनके पास से लेट्स से एग्जांपल में हम इसको यहां पे करेंगे। सो से ही हैज मिस्टर वी, मिस्टर W, मिस्टर Z, ओके। नाउ जब ये नॉर्मल कर रहा है, ये नॉर्मल बिजनेस जब स्टार्ट किया, ओके, जैसे कि उनको फिर हेरा फेरी में उनको जो हीरा मिल गया, आफ्टर दैट ही स्टार्टेड दिस बिजनेस कि भाई इसमें पैसा कमाएंगे और अच्छे से धंधा करेंगे एंड अच्छी लाइफ होगी। नाउ ये जो था यहाँ पे ये कैश का है, बट एक दिन कुछ आए कुछ लोग, जैसे कि उसका सबसे प्यारा दयारा और दुलारा मिस्टर राजू। तो मिस्टर राजू को उन्होंने सेल करा, ओके। मिस्टर राजू को नहीं लेते हम लोग, काम करते, ओके, दैट इज कट। ओके, सो हम यहां पे देखे वो परचेस कर रहे हैं। नाउ उन्होंने परचेस किया से मिस्टर डी से और मिस्टर ई से। सी, स्पेसिफिकली आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स, ओके। ई इज फॉर व्हाट, ई इज फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा प्लीज गो बैक, इवन वॉच इट एट 2x टाइम्स, बिकॉज तभी आपको समझेगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देन यहां पे से उन्होंने सेल करा मिस्टर एक्स को और मिस्टर वाई को। अब देखो यहां पे उनका नॉर्मल बिजनेस हो रहा है, बट ये एक सेट लिया जहां पे 5 ट्रांजेक्शन्स में बता रहा हूं। अब पूरे साल में देर में भी थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब क्या, जहां पे आप कुछ देते हैं और आप कुछ लेते हैं, ओके। सो ये देना और लेना वो नहीं जो आप सोच रहे हो, वी आर स्टडिंग कॉमर्स एंड नॉट बायोलॉजी, ओके, जोक्स अपार्ट। नाउ सी, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे साल में, तो जो कैश ट्रांजैक्शन है ये 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। बट मिस्टर बाबूराव जो है बुक्स मेंटेन नहीं करते, वो अपने माइंड से गेम खेलते, क्या अपन कर सकते, अपन बाबूराव है, वी कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। सो बाबूराव कोई बुक्स मेंटेन नहीं करते,
इसके कारण क्या हो जाता है कि एक बार मिस्टर ए ने उससे माल मिस्टर ए से उन्होंने जो है कितने सॉरी मिस्टर डी से उन्होंने खरीदा होता है माल से ₹20,000 का। ओके, स्पेसिफिकली मिस्टर डी का बात कर रहा हूँ। एंड से मिस्टर वाई से उन्होंने मिस्टर वाई को उन्होंने सेल किया था ₹30,000 का। अब देखो बहुत सारे ट्रांजैक्शन थे, तो मिस्टर बाबूराव को डी से फोन आया। अब डी ने गलती गलती में बोल दिया कि बाबूराव आपका मुझको 22,000 देना बाकी है। वो कितना मांगा? 22,000। सी, मिस्टर डी से मिस्टेक हो गई थी। ही वॉज डूइंग बिजनेस एंड बाई फ्लू किसी और को बोलना था एंड ही टोल्ड मिस्टर बाबूराव कि आपका 22,000 रुपया नॉट 20 बट 22,000 रुपीज आपसे लेना है, प्लीज मेक द पेमेंट। अब बाबू राव सोच रहे यार मैंने तो कितने का माल लिया, कितने का किया, बहुत ट्रांजेक्शन है। वो गिन रहा था, उसको अंदाजा 20,000 आ रहा था, बट क्योंकि उसके पास बुक्स नहीं था, ही वॉज इन द रॉन्ग प्लेस। उसको पता नहीं था कि अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं उसको बोलूंगा तो वो मेरे को बोलेगा बुक नहीं रखता और मैं तो सच में कोई मेंटेन नहीं करता। दूसरी ओर मिस्टर बाबूराव ने इसको क्या किया था, सेल किया था 30,000 का। तो ये मिस्टर वाई का पर्सन आया एंड वो शाणा था, तो उसने जो है मिस्टर बाबूराव को बोला कि मुझे आपको जो है ना सिर्फ अभी 25,000 रुपये देना बाकी है। कितना देना बाकी है? 25,000 रुपये देना बाकी है। अभी ऐसा जब होता है तो मिस्टर बाबूराव के पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, ये पांच ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे सेलर्स होंगे। ये दो क्रेडिट पे है, ऐसे दो यहाँ पे है, बट क्रेडिट पे बहुत सारे हो सकते हैं, से 20 है। और इसमें मान लो मिस्टर वाई के दो नाम के, मिस्टर वाई से मिस्टर वाई मेहता, मिस्टर वाई शाह। अब उसने कैलकुलेशन किया बट ही इज कन्फ्यूज क्योंकि उसने बुक्स नहीं लिखे, ही वॉज इन सो मच कन्फ्यूजन एन एम एस। और इसके लिए यहाँ पे उनको 2,000 ज्यादा भरने पड़े एंड यहां से उनको 25,000 कम, 5,000 कम। ओके, यहां पे कितने का नुकसानी हो गया? 2,000। और यहां पे कितने का नुकसानी हो गया? 5,000। सो मिस्टर बाबूराव को लेट लास्ट में ये सब होने के बाद रियलाइज हुआ, याद हुआ सिचुएशन, बट ही वॉज इन अ मेस और उनको बराबर पता नहीं चल रहा था। सो वो सर गुजरने लगे एंड वो गए उनके बेस्ट पर्सन के पास जो पूरे पिक्चर में भोला है, दैट इज मिस्टर श्याम। नाउ सी, मिस्टर श्याम जो है वो किसके पास गए? मिस्टर श्याम। श्याम याद है कि नहीं? अभी स्क्रीन पे उसका फोटो आ जाएगा। सो जब मिस्टर श्याम के पास गए, श्याम, और श्याम को उन्होंने सारी गाथा समझाई, पूरी महाभारत रामायण सुनाई, तो राम श्याम सॉरी श्याम जी ने बोला उनको कि बाबू भैया आप ये क्या कर रहे हो, आपको जो है बुक्स मेंटेन करना चाहिए और बुक्स ऑफ रिकॉर्ड करना चाहिए, बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए सॉरी। तो बाबूराव बोलते हैं अरे देवा इसमें मुझे कितना किचकिच, मैं किसको ढूंढू, क्या करूं रे। तो श्याम बोलता है तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। ओके, श्याम बोलता है मैं तुम्हारा काम करता हूं, तुम जितने का माल बेचते हो और जितने का माल खरीदते हो, आई रिपीट, जितने का माल बेचते हो बाहर जा रहा है और जितने का माल खरीदते हो, आप उस सब का जो बिल है एक साथ जमा करो और एक बुक में लिखना चालू करो। रोज का रोज आप शाम को जब मेरे को मिलोगे, यू विल टेल मी कि आपने कितने का परचेज किया और कितने का सेल किया। सो इससे क्या होगा कि मैं आपका बुक्स मेंटेन करूंगा। तो बाबू राव को बहुत सारे सवाल होते हैं, वो बोलता है चल इसमें इतना मैं तुझे दू, पर मेरा तो खर्चा बढ़ गया ना, मुझे सिर्फ इतना ही फायदा कि तू ठीक है इस बार तो मेरे को इतना ही लॉस हो, बाकी मैं अभी तो 3-4 साल से धंधा चला ही रहा हूं ना, मुझे क्यों खर्चा करूं। तो मिस्टर श्याम उसको समझाते हैं, ओके, सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है, दैट इज द टॉपिक जिस पे हम आ रहे हैं, आप लोग इतना कॉपी कर ले, उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा एंड देन वील गो टू द मेन टॉपिक। ओके, सो उसको मिस्टर श्याम जो है, इसके बाद का जो पार्ट है आप ये कॉपी कर ले, उसके बाद मिस्टर श्याम उनको ये समझाएंगे कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है। ओके, वॉट इज इट, वाई इज इट एंड हाउ टू डू, ये हमारे 3 मेन क्वेश्चंस हम जो है एवरी टाइम आंसर करेंगे। सही है, ये जो सवाल मिस्टर बाबूराव का है शाम उनको आंसर देगा। सो प्लीज टेक 2 मिनट्स कॉपी, पॉज द वीडियो एंड देन हम आगे बढ़ेंगे।
ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने ये पूरा लिख दिया है टेबल आपके लिए. ओके नाउ गोइंग ऑन. श्याम ने बाबू राव को समझाने की कोशिश की बुक कीपिंग, बट बाबू राव उसको क्या बोलता है, मैं क्यों खर्चा करूं, काय को खर्चा करूं, क्या फायदा, व्हाई शुड आई डू इट, हाउ. नाउ श्याम उसको समझाता है कि अगर आपको बाबू राव जी जानना है, बाबू भैया ना, बाबू राव जी, बाबू भैया इसका इतिहास जानते, सो ही कम्स टू हिस्ट्री. नाउ हिस्ट्री में हमने इंडिया में जाना है. ओके नाउ इंडिया का हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में जाने तो इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य करके किंग थे. हु वाज चंद्रगुप्त मौर्य? ही वाज द ग्रैंडफादर ऑफ अशोका. ओके नाउ किंग अशोका के ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, ओके, देयर वाज अ मिनिस्टर नेम्ड कौटिल्य एंड ही रोट अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. आई रिपीट, कौटिल्य, मिनिस्टर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा एंड दैट इज व्हाट, एंड लेटर ऑन दैट वाज कॉल्ड एज देसीनामा. And this was the Indian part. अगर और deep rooted में जाना है तो आपको पता चलेगा कि बेबिलोन, okay, ये spelling आप देख लेना, बेबिलोन का, बेबिलोन जो जगह है वहां पे आपको इसके roots मिलेंगे बहुत सारे. Okay, but बेबिलोन and Egypt आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, इसके बारे में सुनने मिलेगा detailed में. अगर आपको जानना है तो विकिपीडिया पे आप जान सकते हैं. That was the first place जहाँ पे पता, हम इंडिया में इसके लिए बता रहे कि इंडिया में कहा है. सो बिफोर दैट ऑल्सो इंडिया में एग्जिस्ट करता था, बट वी डोंट हैव प्रॉपर प्रूफ, बट दिस शोज अ प्रॉपर प्रूफ दैट दैट वाज डन. नाउ सेकेंडली, इसको आगे कौन लेके आए? ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट वन, दिस इज द सेकेंड पार्ट टू. नाउ 1949 में लुका डी बार्गो पैक्योली, नाउ दिस वॉज अ इटालियन पर्सन. ओके, वो इटली में रहते थे. ओके, ही वॉज एन इटालियन पर्सन, इटालियन, एंड इन्होंने जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का एक पूरा सा एक ओवरव्यू दिया कि भाई हमको जरा ऐसे जो है बुक्स एंड सिस्टम मेंटेन करना चाहिए. कैसे? वो तो आप 11th में पढ़ेंगे. एंड ही वॉज अ बिजनेस मैन हिमसेल्फ, मर्चेंट था. एंड क्योंकि वो बाबू भैया के जैसे मिस्टेक में फंस गए, ही वॉज कन्फ्यूज एंड दैट इज वाई ही मेड दिस. बहुत ज्यादा यूज कब हुआ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एंड हाउ इट डेवलप्ड ओवर द इयर्स, कैसे ये ऊपर आया? सी, तो इसका रूट्स यहाँ पे लुका डी बार्गो पैक्योली और हिस्ट्री में जाए तो दैट इज मेनली द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लंडन में जो स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी के आसपास. नाउ सर, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, व्हेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन, जब वो शुरू हुआ तो यूरोप में, सपोज आई एम फ्रॉम लंडन, सी दिस इज लंडन, मैंने मान लो ये पेन बनाया एंड आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन, सो आई गो टू से अफ्रीका. ओके, अब अफ्रीका में गया एंड यहाँ पे मैंने ये पेन को सेल किया, वहां पे मैंने सेल किया एंड आई परचेस्ड सी दिस पेन नाइफ, एंड दिस पेन नाइफ को मैंने जो है मैं गया एंड आई सोल्ड इट इन इंडिया, एंड इंडिया में इसका सेल्स करने के बाद आई परचेस्ड, ओके, से आई परचेस्ड डस्टर्स एंड ये डस्टर्स ला के मैंने जो है लंदन में बेचा. अब सी कितना ट्रांजैक्शंस हो रहा है, थोड़े नहीं बहुत सारे, और डेवलप हो रहा था सिस्टम. तो इसमें क्या हो रहा था, एज अ बिजनेसमैन इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू कीप दिस इन माइंड, बिकॉज एक पूरा साल निकल जाता है. सो लुका डी बार्गो ने जो बताया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैंने एज अ बिजनेसमैन मर्चेंट होने के बावजूद, मर्चेंट होने के कारण, आई took one person with me and he will record all the transactions ki bhaiya main jo hai yahan pe gaya aur maine yahan pe pen becha, yahan se pen knife kharida, kahan se, Egypt se, South Africa se, sorry Africa se pen knife kharida and I sold it to India, and India se jo hai maine dusters kharide and I sold it in London itself, and aise bahut sare transactions, aise bahut sare alag alag businessmen ke alag alag transactions. So to make it easier over a period of time, उसको सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर मैनर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने लर्न किया और उसको रिकॉर्ड करना सीखा. सो ऐसे मिस्टर श्याम जो है बाबूराव को समझाते हैं कि ये जो है पूरा हिस्ट्री है और इसके लिए आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को, बुक कीपिंग को फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको ऐसे जो लॉस है, जो 7000 का लॉस हुआ है, जो मिस्टर डी को पे करना पड़ा एक्स्ट्रा 2000 एंड मिस्टर वाई को वाई से लेना कम पड़ा, ओके, उनसे 5000 कम मिले. So, आज ये 7000 का लॉस है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन गो टू 70,000, 7 lakhs. ओके, सो टू स्टॉप दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी करें, या बुक कीपिंग स्टार्ट करें एंड देन अकाउंटेंसी करें. ओके, सो कॉपी दिस
एंड वी विल वेट फॉर 2 seconds का पॉज लेंगे. ओके सो वन थिंग दे वन टू एंड दिस इज अ पार्ट 3. दिस इज एक्स्ट्रा नॉलेज. एंड इसको हम आंसर करेंगे आफ्टर दिस ऑल. आप कॉपी कर लो उसके बाद उसको आंसर करेंगे. ओके गाइस सो मूविंग ऑन दिस इज द थर्ड पार्ट. ओके नाउ हम सबसे पहले जानेंगे डेफिनेशन. इसको रट्टा नहीं करना है ना ही कुछ इसको घुस के. दिस इज वन ऑफ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. सो वॉट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज एन आर्ट of recording business dealings in a set of books. ठीक है, set of books क्या है? For instance, सिर्फ यहाँ पे example दे रहा हूँ कि cash का maintain करने के लिए book अलग है, say book 1, and credit का maintain करने के लिए say book अलग है, book 2. ऐसे अलग अलग books में हम इसको record करते हैं, that becomes, उससे हमारा जो transaction record करना बहुत easy हो जाता है, क्योंकि cash को याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि माल आया पैसा गया. Okay, I repeat, माल आया पैसा गया. बट जब मैं माल लेता हूँ उधारी पे तो मुझे उसको याद रखना पड़ता है. आई हैव टू रिमेम्बर इट एंड दैट इज वाई दिस बाइफोकेशन जो है दैट विल रियली हेल्प मी. ओके नाउ इसमें कुछ चीजें हैं. आप बोलेंगे सर इसमें भी ऐसा होता है? हाँ होता है भैया. बुक कीपिंग के कुछ फीचर्स हैं सर. फीचर्स तो फोन में होते हैं. आई एम सॉरी फॉर द बैड जोक. फीचर्स मतलब क्या कि क्या क्या इससे क्या क्या होता है बुक कीपिंग. सी फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं. मे भी बहुत गंदा लग रहा है. नहीं सो अच्छे से लिखते हैं फीचर्स. एफ ई ए टी यू आर ई एस. मैं सिर्फ फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले डे टू डे रिकॉर्डिंग मतलब कि रोज का. ओके यहाँ पे मैं हिंदी वर्ड यूज करूँ. रोज का रिकॉर्ड करना है. रोज का रिकॉर्ड करना है. अगर आपने एक चाय भी मंगाई ना आपके कस्टमर को पिलाने के लिए. ओके आपने एक चाय भी मंगाई यू शुड रिकॉर्ड दैट बिकॉज वो एक छोटा. मान लो एक चाय मेरे पास कस्टमर आया. ओके से मैंने उसको चाय पिलाई एक वड़ा पाव खिलाया. फॉर इंस्टेंस मेरा खर्चा होता है 15 रुपया. ऐसे 10 जन आए तो वो हो गया 150 रुपीज. अगर ऐसे 10 दिन होगा देन दैट इज 1500 रुपीज. एंड सोन ये इंक्रीज होता जाएगा. सो इट इज नॉट अ स्मॉल एक्सपेंडिचर. इसीलिए हर ट्रांजेक्शन को रोज रोज का रिकॉर्ड करना है. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. फाइनेंशियल मतलब पैसा. जहां पे पैसा इन्वॉल्व होगा वहां पे आपको इसको रिकॉर्ड करना है. सो दैट इज वाई इंपॉर्टेंट. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब फॉर मनी और मनीज वर्थ. समझ में आया सर? मनीज वर्थ मतलब क्या? मान लो आपसे कोई माल लेके गया वो पैसा नहीं दे सकता तो उसके बदले उसने क्या किया? उसका मोबाइल आपको दे दिया. नाउ सी आपको यूज होने आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो देयर हैज टू बी समथिंग मनी या मनीज वर्थ. दैट वी विल लर्न आगे के चैप्टर्स में. स्पेसिफिक पीरियड. ओके जस्ट गिव मी 1 सेकंड. नाउ स्पेसिफिक पीरियड रूल्स एंड रेगुलेशन. सी व्हाट इज स्पेसिफिक पीरियड? सी फॉर इंस्टेंस एक ही साल. फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर आप जो है बुक्स एक साल के लिए मेंटेन करते हैं. 1 ईयर फॉर इंस्टेंस जनवरी से लेके दिसंबर तक आप ये पीरियड मान के चल रहे हो कि आपका बिजनेस चल रहा है. और जनवरी से दिसंबर आप रिकॉर्ड करोगे और आप जानोगे कि भाई क्या है क्या नहीं. इस पॉइंट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा इसीलिए अब यहाँ पे इसको एरो मार रहा हूँ. जस्ट स्टे विथ मी टिल आई कम हियर. ओके जस्ट स्टे विथ मी टिल आई कम हियर. यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ. यहाँ पे भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ. क्यों? ये दोनों में कुछ कनेक्शन है. रूल्स एंड रेगुलेशन. सी हम बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनना है और आज के जमाने में यू हैव टू वेयर द मास्क. दैट्स इंपॉर्टेंट. नाउ सी दीज आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. मास्क सॉरी हेलमेट पहनना है. डोंट ब्रेक द सिग्नल सर. वो तो ऐसे करना चाहिए सर. सिग्नल तो तोड़े तो मजा थोड़ी आता है सर. सी जोक्स अपॉन इनकमिंग बाइक. सो जैसे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है यहाँ पे भी You have to follow some rules and regulations. Okay? Follow some rules and regulations. देखो सबका लिखने का तरीका अलग अलग होता है. से फॉर इंस्टेंस कुछ लोग पहले चाय पीते सुबह को और फिर नाश्ता करते हैं.
एंड कुछ लोग होते हैं जो पहले खा लेते एंड देन चाय पीते, सी ब्रेकफास्ट ही हो रहा है, बट से आई विल बी लाइकिंग टू हैव टी फर्स्ट एंड देन हैव माई सैंडविच वट एवर, जो भी नाश्ता है हमारा। बट मेरा कोई फ्रेंड है सिर्फ मिस्टर एक्स, एंड ही हैज हिज ब्रेकफास्ट फर्स्ट एंड देन ही हैज हिज टी, सो दैट इज द डिफरेंस। बट अभी इसमें प्रॉब्लम होता है, अगर मैं अपना बुक्स अलग रखूंगा वो अपना बुक्स उसके तरीके से रखेगा, और कोई एक पर्सन गवर्नमेंट अथॉरिटी मेरा बुक्स चेक करने आएगा तो उसको अलग बुद्धि वापरना है, इसका बुक्स चेक करने आएगा तो उसको अलग बुद्धि वापरना है, सो दैट क्रिएट्स कन्फ्यूजन। तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए दैट वी विल लर्न इन दिस एंड ऑफ दिस चैप्टर, जो ओके उसमें आएगा आपका प्रिंसिपल्स, ओके उसके बाद AS करके एक शब्द यूज करेंगे, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टफ, नॉट गोइंग इन डिटेल नाउ बिकॉज दैट इज रियली, ये सब ये पूरा एक वीडियो बनेगा, दैट विल बी अ बिग वीडियो, ओके वो बड़ा होगा क्योंकि उसमें बहुत डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है। नाउ सिमिलरली सर ये ऑब्जेक्टिव्स भी गंदा लग रहा है, मुझे भी गंदा लग रहा है, लिख दिया क्या करें। एनीवेज सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड वी होप दैट लॉर्ड गणेशा जल्द से जल्द हमारे इस दुविधाओं को सुलझा दे, मोस्टली दैट इज कोरोना। ओके नाउ ऑब्जेक्टिव्स, बुक कीपिंग करने का फायदा क्या, क्यों किया जाता है, मेनली बुक कीपिंग क्यों किया जाता है। देखो जैसे फोन में फीचर्स होते हैं कि भाई कैमरा है, ठीक है, उसके बाद उसमें आप सेल्फी कैमरा सेल्फी एक ही हो गया, आप गेम खेल सकते हैं, आप YouTube पे फीचर देख वीडियो देख सकते हैं, आप कुछ अलग अलग तरीके के फीचर, जैसे आप खड़े हो आप ऐसे हाथ दबोगे तो कैमरा फोटो ले लेता है, या आप स्माइल करोगे तो कैमरा फोटो ले लेता है, या फ्लैश लाइट है, या आप ऐसे ऐसे फोन शेक करोगे जैसे मोटरोला में होता है कि व्हेन यू शेक द फोन तो आपको फ्लैश लाइट चालू हो जाएगा वगैरह, सो दैट इज द फीचर्स। बट वॉट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है फोन का, तो बेसिकली एज अ फॉर अ मीडिया पर्सन द ऑब्जेक्टिव विल बी के कॉल, ओके फॉर अ नॉर्मल पर्सन सॉरी कॉल आना चाहिए जाना चाहिए, उसमें उसको एक्स्ट्रा कुछ बिजनेस के लिए यूज हो रहा है दैट इज, बट ऑब्जेक्टिव क्या मेन कॉल है। वैसे ही बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो सबसे पहला कंप्लीट एंड एक्यूरेट, जी हाँ कंप्लीट एंड एक्यूरेट। जैसे मिस्टर बाबूराव के पास, उनके पास एक इन्फॉर्मेशन नहीं था मिस्टर डी एंड मिस्टर वाई का, इसलिए वो कंप्लीट नहीं था और ना ही एक्यूरेट। अगर कंप्लीट होता पूरा इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होता, एक्यूरेट होता कि कितना माल दिया है कितना पैसा आ चुका है, तो मिस्टर बाबूराव को लॉस नहीं होता। सो दैट कंप्लीट्स अ पॉइंट ऑफ कंप्लीट एंड एक्यूरेट। ओके सिस्टमैटिक लॉजिकल एंड ऑर्डरली, सो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिकली एक सिंपल सा अपने तरीके में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिस्टमैटिक मतलब क्या और लॉजिकल मतलब क्या, ऑर्डरली क्या, और ये पॉइंट भी उसके साथ ही लेते हैं, डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये दोनों पॉइंट हम कवरेंगे, सिस्टमैटिकली मतलब और सिस्टमैटिकली लॉजिकली ऑर्डरली डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। सपोज से हम लोग 17th अगस्त को करते, तो 17th अगस्त दैट इज 8 and 2020 दैट द डेट, उस दिन को मैंने जो है परचेज किया, ओके ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामू काका कौन है, अपने गोलमाल के रामू काका, फॉर ₹10,000। ओके मैंने प्लाईवुड का ही बिजनेस है एंड मैंने प्लाईवुड ही खरीदा है उसके पास से। सी नाउ जब मैं रिकॉर्ड करूंगा इस ट्रांजैक्शन को, तो व्हाट इज, सबसे पहले डेट आएगा, उसके बाद क्रेडिट, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि क्रेडिट का एक बुक है, तो उस बुक में स्पेसिफिकली ये एंट्री जाएगा, डेट जाएगा, उस क्रेडिट वाले बुक में एक स्पेसिफिक अकाउंट होगा जो होगा रामू काका का, एंड मिस्टर रामू काका के पास से मैंने जो है 10,000 का माल परचेज किया। ओके सो दिस गिव्स अ प्रॉपर सिस्टमैटिक लॉजिकल एंड ऑर्डरली मैनर में मैंने, और हाँ डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज मेंटेन किया। सो अकाउंट वाइज रिफर्स टू मिस्टर रामू काका, डेट वाइज रिफर्स टू दिस। सिस्टमैटिक मतलब ये प्रॉपर सिस्टम है, अगर मैंने रामू काका से क्रेडिट पे नहीं किया होता एंड से आई वुड हैव डन इट फॉर कैश देन कैश, तो ये जो है बुक टू में जाता और ये जो है बुक वन में जाता, इन बोथ केस अगर ये
परचेज फॉर कैश होता तो बुक वन में जाता, परचेज फॉर क्रेडिट है इसलिए बुक टू में जाता. दैट इज वॉट इज सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल एंड ऑर्डरली मैनर रिफर्स टू. परमानेंट एंड दस एंड एविडेंस. एविडेंस मतलब सबूत है. सर क्या सबूत क्या है इसमें क्या है? सी मिस्टर बाबूराव को लॉस हुआ बट अगर उन्होंने बुक में लिखा होता जैसे यहाँ पे बोला है तो उनके पास सबूत होता. वो बताते देखो भैया मिस्टर डी एंड मिस्टर वाई दोनों को बोलते तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुमसे मुझे मिस्टर डी से 2000. वो बोलते तुमको मुझे सिर्फ 20,000 देने, 22,000 नहीं देने. सो आई विल पे यू ओनली 22,000. सेकेंडली मिस्टर वाई को बोलता भैया आपसे मुझको 25,000 रुपये आने थे, 5,000 कम नहीं आने. यू आर चीटिंग मी और यू आर मेकिंग सम रॉन्ग कैलकुलेशन. सो दिस इज वॉट इज परमानेंट रिकॉर्ड एंड दस एविडेंस. ओके आपको पुख्ता सबूत मिलता है कि हाँ भाई इतना माल लिया या इतना माल दिया और इतना पैसा लेना देना बाकी है. सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस. साल के अंत में आपको पता चलता है कि भाई आपने जो है क्या किया है, प्रॉफिट या लॉस पूरा साल धंधा करके क्या किया. एंड दिस लास्ट पार्ट दैट इज कंपैरिजन. ओके नाउ यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक पीरियड का पार्ट और कंपैरिजन को किया. सी फॉर इंस्टेंस अभी मेरा साल चल रहा है 2020, दैट विल बी फ्रॉम जैन एंड जैन टू दिसंबर. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ले लो तो मैं इस साल को कंपेयर करूंगा 2019 के साथ, दैट इज जनवरी टू दिसंबर. अब क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सपोज पर्टिकुलर से शॉर्ट में लिख रहा हूँ. सपोज मेरा सेल्स है और यहाँ पे मेरा सेल्स जो है सिर्फ 15 लाख रुपए का हुआ है पूरे साल में और यहाँ पे मेरा सेल्स जो है 40 लाख का हुआ है. सी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस उसका धंधा कम हुआ है. फॉर इंस्टेंस दिस इज एन एग्जाम्पल. तो ये जो है कंपेयर करने में बताता है कि भैया पिछले साल से मेरा धंधा डाउन गया है एंड आई एम नॉट डूइंग गुड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. ओके दिस इज वॉट इज कंपेरिजन. बहुत सारी चीजें आ सकती है बट जस्ट वन एग्जाम्पल ले रहा हूँ. ओके सो दैट इज वॉट द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दीज आर द फीचर्स एंड दिस इज द डेफिनेशन. आई वॉन्ट यू टू कॉपी दिस. ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया बट मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ओके सो ये सारे पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. वॉट इज कंप्लीट एंड एक्यूरेट यहाँ पे टिक करते हैं. सिस्टमैटिक क्या है, डेट वाइज क्या है, परमानेंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरिजन क्या है, ये सारे फीचर्स, डे टू डे वाला, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, स्पेसिफिक पीरियड, रूल्स एंड रेगुलेशंस और यहाँ डेफिनेशन भी. आई वॉन्ट यू टू कॉपी दिस. ओके आप इसको कॉपी करें एंड इसके बाद लास्ट 5 मिनट्स फॉर द डे. ओके ओके गाइस, सो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा. लास्ट 5 मिनट्स फॉर मी. ओके 5 मिनट और एंड दिस विल बी एक्सप्लेन. तो आपको समझ में आएगा कि बुक कीपिंग क्यों करना चाहिए एंड व्हाई मिस्टर बाबूराव शुड आल्सो मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स. ओके एंड व्हाट इज बुक कीपिंग. नाउ सी फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट, लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक दैट इज इम्पोर्टेंस. क्या इम्पोर्टेंस क्या है? देखो इम्पोर्टेंट इसके लिए क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके यू हैव थॉरली मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स एंड आपको कभी भी हेल्पफुल रहेगा. कभी भी आप आपके बुक्स को खोल सकते हो, चेक कर सकते हो क्या है, पूरा का पूरा ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगा. ओके कभी भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल होगा. डिसीजन मेकिंग. सर व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? सी बिग कंपनीज हो या छोटा पर्सन हो उसके एक्सपेंसेस पे डिसीजन लेने को पता चलेगा, उसके इनकम को बढ़ाने के लिए डिसीजन लेने पता चलेगा. सर क्या? तो देखो मैंने अभी 5 मिनट पहले आपको कंपैरिजन बताया जिसमें उसका सेल्स कम हो गया. तो दिस विल हेल्प टू नो कि एक्सपेंस में सॉरी इनकम में कंपैरिजन में मैंने बताया कि सेल्स उसका कम हो गया राइट 45 लाख से वो 15 लाख हो गया. नाउ दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. तो उनको क्या देखना पड़ेगा, क्या ध्यान देना पड़ेगा या क्या करना चाहिए कि उनका सेल्स वापस हो सके या वो जल्दी से बिजनेस में आ सके. दैट हेल्प्स टू टेक डिसीजंस के अगर कुछ फालतू का खर्चा हो रहा है तो अब मैं उसको और एक साल कैसे ना करूं क्योंकि अभी तक कोरोना गया नहीं है या गया है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. सेम दिस इज लिंक टू दिस. दिस हेल्प्स टू कंट्रोल. ओके ओवरऑल कंट्रोल ऑफ इनकम एक्सपेंस एंड
असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक, असेट्स एंड लायबिलिटीज हम लर्न करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट इसको छोड़ दीजिए कि असेट्स और लायबिलिटीज क्या है। एविडेंस, जी हाँ, ये एक सबूत है जो आपको कोर्ट में कभी भी यूज करने को इन्फो हेल्पफुल रहेगा। सर कोर्ट में मेरा बुक्स, हाँ आपके पास बिल्स रहेंगे, बराबर है, आपके पास बुक्स रहेंगे जो मैच होंगे, तो कोर्ट भी बोलेगा कि हाँ ये बंदा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है और तुम जो बोल रहे हो वो रॉन्ग बोल रहे हो। टैक्स लायबिलिटी, जी हाँ, गवर्नमेंट को हमको GST भरना पड़ता है, बराबर है, अलग अलग टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स भरना पड़ता है। ओके, नाउ ये सब जानने के लिए या पे करने के लिए आपके पास सारा कैलकुलेशन होना चाहिए कि आपने साल में कितना खरीदा या बेचा, बिकॉज गवर्नमेंट हैज ऑल द रिकॉर्ड्स। ओके सर कैसे, देखो वो गवर्नमेंट का बात है, वो हम इस चैप्टर के, इस पूरे टेक्स्ट बुक के एंड में डिस्कस करेंगे कि हाउ गवर्नमेंट डस एंड कैसे सब लोग रियलिटी में, कुछ लोग सक्सेसफुल होते बुद्धू बनाने में और कुछ लोग नहीं भी होते गवर्नमेंट को बनाने में। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी करें। ओके, यूटिलिटी, फायदा क्या है, व्हाट इज द यूटिलिटी, फायदा क्या है और किसको है। सबसे पहला फायदा ओनर को है। सर ओनर को क्यों है, देखो उसके पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, उसके पास सब मेंटेन है, B1, B2, B3, कैश परचेज, कैश सेल्स, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, छोटे मोटे एक्सपेंसेस के, डेली एक्सपेंसेस के, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड एवरी डैम थिंग, दैट गिव्स द ओनर अ प्रॉपर ओवरव्यू से एज अ बिजनेसमैन। मुझे आज देखना, मैं बोलूंगा चलो भाई बुक निकालो, आई वॉन्ट टू सी कि कितना मेरा अभी तक का स्टेटस क्या है, एम आई गोइंग अप और एम आई गोइंग डाउन। देन मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट इज इन मेनली इन कंपनीज, जहाँ पे वो डिसाइड करते हैं, एक्सपेंसिस को देखते हैं, इनकम को देखते हैं, एंड देन दे डिसाइड कि क्या चल रहा है, कि क्या नहीं चल रहा है, इज इट गोइंग रॉन्ग और आर वी इन द राइट डायरेक्शन। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि ये जो है सही काम कर रहा है कि नहीं। देखो सही काम कर रहे हैं इन द सेंस, देखो गवर्नमेंट को ये जो टैक्स भरना पड़ता है GST, नाउ हमारा गवर्नमेंट ने GST पे ऐसा प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाया है, एक ऐसा सिस्टम लगाया है कि अगर एक जगह से माल जा रहा है तो वो माल दूसरी जगह पे भी दिखना चाहिए जो पर्सन ने खरीदा है वो। अगर वहां पे नहीं दिखेगा तो यहाँ पे दिख रहा है तो कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ है। एंड ऑल दिस स्टफ इज वॉट गवर्नमेंट को रिकॉर्ड्स यूजफुल होता है, बिकॉज वो लोग भी टैक्स फाइल करेंगे, वो लोग भी GST भरेंगे। नाउ गवर्नमेंट क्या करेगी, मिस्टर ए की कंपनी का टैक्स में लिखा है कि मिस्टर बी को सेल किया, आई रिपीट, मिस्टर ए की कंपनी में लिखा है कि उन्होंने जो है सेल्स किया है मिस्टर बी को, तो वो लोग जो है बी की कंपनी में भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पे जो है माल आया कि नहीं आया। ओके, दैट इज वाई बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर इम्पोर्टेंट। अगर नहीं आया तो गवर्नमेंट जाएगी, बोलेगी निकालो भैया बुक, बताओ तुम, कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। इन्वेस्टर्स, कुछ लोग होते हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं एंड दे फाइंड आउट कि भाई ये जो बिजनेस है दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस, ओके, एंड आई वॉन्ट टू डू दिस बिजनेस बट आई डोंट हैव द टाइम टू डू द बिजनेस, मैं इसको कर नहीं सकता। सो क्या करता है वो, उसको पैसे दे देता है। फॉर इंस्टेंस ओके, मान लो कि एक वड़ा पाव वाला है NL कॉलेज के पास या कहीं पे भी, कोई भी एरिया में, नाउ ही इज सेलिंग सुपर फैंटास्टिक वड़ा पाव। नाउ आई एज अ पर्सन, मैं उसका वड़ा पाव खाता हूं, एंजॉय इट। नाउ मैं सोचता हूँ कि इसके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। वो ठेला लगाता है, ठीक है, तो कुछ लोग नहीं खाते कि कचरा है, ये है, वो है, ऐसे तो मुंबई कर खा लेते भाई, उसमें ही तो टेस्ट है सर, वो पानी ऐसा गिरता है अंदर, उसका ही मजा आता है। नाउ सी, तो मैं क्या बोलता हूँ वड़ा पाव वाले को, भावा सुनो मेरी बात, तुमको दुकान भाड़े पे मैं लेके देता हूँ, तुम्हारे धंधे में मैं पैसा लगाता हूँ। तो बोलेगा साहब ऐसा काई को, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ कि सुनो हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, दुकान का भाड़ा मैं भरूंगा, थोड़े एक्सपेंसेस मैं करूंगा, बट वी विल बोथ अर्न एंड इफ ही इज रेडी देन आई एम हैप्पी। बट मैं उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसको बोलूंगा कि भैया तेरा बैंक अकाउंट डिटेल बता, मैं देखना चाहता हूँ तो कितना कमाता है, या तूने कुछ बुक्स मेंटेन किया है। अगर उसने नहीं किया है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ वड़ा पाव वेंडर, कुछ बड़ी कंपनी या बड़ा बिजनेस हो और वो लोग नहीं मेंटेन कर रहे, बस एल्फ माइंड का गेम खेल रहे, देन इट इज वेरी टफ फॉर इन्वेस्टर टू थिंक कि भाई इसमें पैसा डालो कि नहीं डालो। सो दैट इज वाई बुक्स ऑफ अकाउंट बताएगा कि सेल्स ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। ओके, दिस इज अ ग्राफ, सेल्स ऊपर जा रहा है कि सेल्स नीचे जा रहा है, वॉट टू डू, पैसा डालू कि नहीं डालू इस बिजनेस में। क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स क्या है, नहीं देखा, गो बैक टू द फर्स्ट वीडियो, रिकॉल हु इज द क्रेडिटर।
नाउ क्रेडिटर्स ये देखना चाहते हैं कि आज ये बंदा, सपोज मैं एक पर्सन से बोल रहा हूँ, मैं ही इज अ न्यू पर्सन एंड ही हैज दिस न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मैं उसको बोलता हूँ मुझे आप ये माल उधारे पे दो, वो बोलेगा मैं माल उधारे पे दे देता हूँ, मुझे आपका बैलेंस शीट दिखाओ, मुझे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा और देखेगा और पता चलेगा कि उसने पिछले 2-3 सालों में क्रेडिटर्स को पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर वो उस पर्सन को फोन भी कर सकता है, पूछेगा कि भाई आपको पैसा टाइम पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एंड सी इन बिजनेस ऑल दिस गोज ऑन, पता चलता है। ओके, एंड दैट इज व्हाई क्रेडिटर सोचेगा कि मैं इस व्यक्ति को माल दू के नहीं दू। एंड लास्ट इज लेंडर, दैट वाज आल्सो डिस्कस्ड इन द लास्ट पार्ट, दैट इज बैंक्स। बैंक्स क्या करेंगी, लोन के लिए सोचेगी। अगर बैंक लोन देना चाहती है तो बैंक क्या बोलेगी, भैया बताओ आपका सेल्स ऊपर है नीचे है, बुक्स बताओ हमको, देखने दो आपके रिकॉर्ड्स, क्या सिस्टम है आपका, आप बिजनेस कैसे करते हो, पता चला मन में आया तब दुकान खोलते हो, मन में आया तब बंद कर देते हो, हफ्ते में 4 दिन सोते हो, 2 दिन काम करते हो, 1 दिन ऐसे ही बैठे रहते हो। ओके, नाउ दैट इज हाउ, ये जो है फायदा है। सो नाउ कमिंग बैक टू द 3 core questions जो हमको हमेशा भूलने नहीं चाहिए। ओके, तो क्या, व्हाट, दूसरा था व्हाई एंड तीसरा था हाउ। सी अगेन, व्हाट मैं अभी बोल रहा हूँ, व्हाट क्या है, बुक कीपिंग का हमने डेफिनेशन जाना, उसके क्या फीचर्स है ये जाने, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है ये जाने, क्यों करना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाई क्यों, क्योंकि इसका यूटिलिटी है, उसका इम्पोर्टेंस है, क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या फायदा है, वही हमने फीचर्स में भी जाना, इम्पोर्टेंस में भी हमने व्हाई का सवाल को रिप्लाई किया। एंड हाउ, हाउ में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया B1 B2 वाला, आई रिकॉल आई रिमाइंड यू B1 B2 वाला, जिसमें ये कैश ट्रांजेक्शन के लिए था और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए था। सो दिस इज हाउ, मतलब आप लर्न करेंगे, अभी तो ये थोड़ा थियोरी पार्ट है, एंड वन मोर लेक्चर विल गो इन थियोरी, क्योंकि आपको ये एक ओवरव्यू जानने का जरूरी है। बट आई प्रोमिस कि एट द एंड ऑफ चैप्टर 9 या 10, जो भी इस नए टेक्स्ट बुक में फाइनल अकाउंट्स है, आफ्टर दैट वी विल हिट दिस चैप्टर बैक, एंड वेन वी हिट दिस चैप्टर बैक बाद में, तब आपको बहुत डीप नॉलेज होगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है। सो कैसे किया जाता है बुक्स ऑफ मेंटेन, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन। सो दैट इज हाउ, 3 questions के जवाब दिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। सो आई होप आई वॉज हेल्पफुल टू यू, आई विल कीप द वीडियो फॉर 2 minutes ताकि आप उसको कॉपी करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है सो प्लीज गिव अ लाइक, ओके, पुट कमेंट करें एंड शेयर इट, एंड प्लीज सब्सक्राइब इट and share it among your friends. I hope I was helpful to you. Thank you and hope to see you in my next video. Bye guys.